हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं लर्न कैट प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर खालिद महमूद और आज के इस वीडियोस में मैं आपके लेकर आया हूं आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक्सरसाइज 13। जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हैं, आज इस डायग्राम को हम एज आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं इसे ही बताने वाले हैं। आप हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं और इस ट्राइग्राम को डाउनलोड करना चाहते हैं इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से प्रैक्टिस पर्पस के लिए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस ड्राइंग को एनालिसिस करते हैं कि हम इसे कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस सर्कल से। पहले हम इन सर्कल को बनाएंगे, फिर ये अंदर वाले सर्कल को बनाएंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, तो मैं इन दो सर्कल को पहले क्रिएट करता हूँ। आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों को एक्टिवेट करना होता है। पहला है हमारा आइसोमेट्रिक व्यू, इसको हम आइसो प्लेन बोलते हैं। तो ये नीचे की तरफ देख रहे हैं आप, ये आइसो मेट्रिक ड्राफ्टिंग है, इसे आप ऑन कर लें। आप इसके प्लेन को चेंज करने के लिए F5 की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं अभी यूज कर रहा हूँ आइसो प्लेन राइट। आइसोमेट्रिक व्यू में सर्कल बनाने के लिए आपको एलिप्स कमांड का यूज करना होता है। सो मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट कमांड लिया, EL फॉर एलिप्स, I फॉर आइसोमेट्रिक सर्कल क्लिक किया मैंने, D फॉर डायमीटर, 12 एंटर। रिज्यूम कर लेते हैं, अगेन EL फॉर एलिप्स कमांड, I फॉर आइसोमेट्रिक सर्कल सेंटर पॉइंट से, D फॉर डायमीटर, 25 एंटर। अगेन L फॉर लाइन, और मुझे लाइन क्रिएट करना है। लाइन जो है 35 यूनिट की हम क्रिएट करेंगे। सेलेक्ट किया मैंने लाइन को, M फॉर मूव, अब डायरेक्शन में 12.5। अगेन CP फॉर कॉपी, L फॉर लास्ट ऑब्जेक्ट एंटर, डाउन साइड में लेंगे हम 7 यूनिट। ओके, L फॉर लाइन, और मैं इसे क्लोज कर दूंगा। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर लेंगे, TR डबल इंटर U, और इस तरीके से इरेज। ओके, अब हम इस पीछे वाले पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, इसे बनाने वाले हैं। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को हम कॉपी कर लेंगे। आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं, CP फॉर कॉपी, 30 एंटर, L फॉर लाइन, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को जोड़ दें, अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट को। ओके, L फॉर लाइन, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे लाकर आप इसे एंड कर दें, TR डबल इंटर, इसे आप ट्रिम। ओके, अभी हम इस पार्ट को क्रिएट करेंगे U, यानी कि इस पार्ट से इस पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा, L फॉर लाइन, कोऑर्डिनेट पॉइंट टू U। तो हमने हाफ ऑलमोस्ट कवर कर लिया, यानी इस पूरे पार्ट को हमने कवर कर लिया है। अभी हम इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पे दिया है 40 डिस्टेंस, यानी कि हमें एक लाइन लेनी है, L फॉर लाइन, सेंटर पॉइंट से 40 यूनिट की। अब हम इसे मूव कर लेंगे, M फॉर मूव, डाउन साइड की तरफ 12.5 एंटर। ओके, अगेन CP फॉर कॉपी, L फॉर लास्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अपसाइड डिस्टेंस में 7 एंटर। देन L फॉर लाइन, क्लिक, अपसाइड डिस्टेंस 20 एंटर।
ओके, सीपी कॉपी, सेलेक्ट एंटर, सेव एंड एंटर एंटर। ओके, अभी मुझे इसके इंटरफेस को चेंज करना है। मैंने आपको बताया F5 की प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहां से प्लेन को चेंज कर सकते हैं। अभी मुझे आइसो प्लेन लेफ्ट करना है, मैंने क्लिक किया, ये हो गया लेफ्ट। EL फॉर एलिप्स, EL फॉर एलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, सेलेक्ट सेंटर पॉइंट, D फॉर डायमीटर 30, अगेन I फॉर आइसो सर्कल, D फॉर डायमीटर 1515। दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम, M फॉर मूव 1515। ओके, ये होने के बाद हमें इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करना है। सी पी फॉर कॉपी, सेव एंड एंटर, अगेन दिस लाइन, सी पी फॉर कॉपी, सेव एंड एंटर। ओके, अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लेना है। टी आर डबल इंटर, इसे ट्रिम कीजिए आप, इसे भी, इसे, इसे और इन अंदर वाले सर्कल्स को। और जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप इरेज कर लें। एल फॉर लाइन, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप ऐड कर लें, बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को आप ट्रिम कर लें। टी आर डबल इंटर, इसे भी ट्रिम कर लें, इसे भी, और इसे सेलेक्ट करके ई फॉर इरेज। अब इस लाइन को सेलेक्ट करें, सी पी फॉर कॉपी, दिस पॉइंट डिस्टेंस दे दें यहां पे आप 30। L फॉर लाइन, दिस पॉइंट टू 30, एंटर, देन यू। टी आर डबल इंटर, ट्रिम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम, और इसे भी आप ट्रिम कर लें, सॉरी, टी आर डबल इंटर ट्रिम। तो ये आपने ड्रॉइंग को एज अ एसिमेट्रिक व्यू कंप्लीट कर लिया है। इसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप एक दो लाइन और भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक्सरसाइज 13 कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। आपको मैंने अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है जो कि नीचे आप देख रहे हैं। आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।